Hello everyone, welcome to Sanath easymind tutorials official youtube channel. तो आज हम लोग बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में है. यहाँ पे एक बहुत ही शानदार जॉब अपडेट निकल कर आ रहा है, रिक्रूटमेंट 2021. ये एक ऐसा रिक्रूटमेंट है दोस्तों जहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं भरनी पड़ेगी, आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों. सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर आपने ट्वेल्थ किया हुआ है और ट्वेल्थ के बाद अगर आपको कोई भी जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप कोई एनी ग्रेजुएट हो, कोई भी डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप एप्लीकेबल हो. अगर आपने बीई बीटेक किया हुआ है या फिर आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों. इसके बाद जो है देखिए एमई एमटेक एमसीए बीसीए बीकॉम एमकॉम एमफिल एमएस कुछ भी अगर आपने किया हुआ है, बल्कि अगर आप में से कोई ऐसे भी व्यक्ति देख रहे हैं जो कि रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों. अगर उनका एज 65 से कम है, 65 साल से कम है, तो सभी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है दोस्तों. तो आप ये वीडियो जरूर से देखिए, सैलरी भी अच्छा है यहाँ पे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इंस्टीट्यूट है तो बहुत बढ़िया जॉब अपडेट है, बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए और बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए दोस्तों. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जानते हैं डिटेल में नोटिफिकेशन के बारे में, क्या क्या है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कैसे आपका प्रोसीजर है सिलेक्शन का. और उससे पहले अगर आपको इस तरीके से बेहतरीन जॉब अपडेट्स की ज़रूरत है तो आप चैनल को बेफिक्र होकर सबसे जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी, इसका ये आपका वेबसाइट है. यहाँ पे आप लोग जाएंगे जॉब्स के सेक्शन में, अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं वैकेंसीज इन स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स. यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो पहला ही नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा दोस्तों, 16th अप्रैल 2021 में निकला हुआ था. आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपका जो कैंडिडेचर होगा वो एक्सेप्ट मेल के थ्रू नहीं किया जाएगा. ओके, एक और बात बता दूं, यहाँ पे जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा वो आपका न्यू दिल्ली रहेगा, लेकिन आप कोई भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं. पहला जो नोटिस रिक्रूटमेंट है वो आपका है पोस्ट जो है प्रोजेक्ट कंप्यूटर ऑपरेटर क्लर्क, तो ये आपका लास्ट डेट 16th of May है. तो चलिए जानते हैं नोटिफिकेशन में क्या है. तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट हैज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर विच रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फॉलोइंग पोजीशन ऑकर फ्रीक्वेंटली. ओके, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है और आपका यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बस आपका एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है दोस्तों. ओके, आपको जो स्क्रूटिनी किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, वो आपके मेरिट पर बुलाया जाएगा. ओके, जो आपका ग्रेजुएशन है, जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया है उसमें आपका कितने मार्क्स हैं उसी के बेसिस पर आपको बुलाया जाएगा दोस्तों. सो पोस्ट आपका क्या है, प्रोजेक्ट कंप्यूटर ऑपरेटर, और यहाँ पे आपको 17,000 पर मंथ की सैलरी दी जाएगी और आपका एज जो है वो 27 इयर्स होना चाहिए दोस्तों. क्वालिफिकेशन देखिए, पर्संस हैविंग 10+2 सर्टिफिकेट विथ नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स. तो अगर आप 10+2 सर्टिफिकेट आपके पास है, बस 12th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए बस, और आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के ऊपर, बेसिक नॉलेज, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. कोई भी ग्रेजुएट डिग्री आप अगर आपने किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके बाद जो है देखिए, अगर आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको स्किल टेस्ट में कंप्यूटर में. ओके, तब आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी. ओके, और इसके बाद आपको दिया गया ये नोट, आप लोग पढ़ लेना, और इसमें आपको जो NOC हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से आपको देना पड़ेगा. ओके, और ये दोस्तों जो है आपका परमानेंट पोस्ट नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है और बहुत ही बढ़िया आपको एक्सपीरियंस का स्कोप मिलेगा दोस्तों, और आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका है. अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपका बाद में रेगुलराइज होने का भी बहुत चांस है. ओके, तो लास्ट डेट जो है वो 16th of May है. नेक्स्ट जो पोस्ट है उसको देखते हैं क्या है. अगला जो पोस्ट आपके लिए निकल कर आ रहा है वो है आपका कंसल्टेंट का पोस्ट. इसका भी लास्ट डेट 16 मई है और इसका देख लेते हैं हम. इसमें देखिए, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है, यहाँ पे आपको दिया गया है रेमुनरेशन जो है आपको 40,000 से लेकर 49,000 पर मंथ की सैलरी है, अच्छी सैलरी है. 65 साल से कम आपका अगर उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, 65 ईयर्स.
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, आपको मास्टर्स डिग्री आपका होना चाहिए जो कि 55% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका एम फिल पीएचडी इन एजुकेशन है, सोशल साइंस और अलाइड सब्जेक्ट्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मास्टर्स डिग्री है उसके साथ आपका एम फिल पीएचडी होना चाहिए। अगर आपने एम टेक एम सी ए या एम एस सी किया हुआ है टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने एम फिल किया हुआ है उसके साथ कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, उनका रिसर्च एक्सपीरियंस और पेपर पब्लिश किया हुआ है, उनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। या फिर अगर आप देखिए दोस्तों, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप हैं और आपका ग्रेड पे 6600 का था कैरिंग अबव क्वालिफिकेशंस, और ऊपर वाले क्वालिफिकेशंस आपके पास कोई भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये जो देखिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में भी रिलैक्स्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सेप्शनली आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दी जाएगी। और यहाँ पे कितने वैकेंसीज फिल करनी है, क्या करनी है, ये टोटली डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर, ओके। और लास्ट डेट जो है आपका 16th of May है। नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं जो आपका है, देखिए आपका जूनियर कंसल्टेंट, ओके। यहाँ पे देखिए क्या है आपका, तो जूनियर कंसल्टेंट है, इसमें आपको दिया गया है, पोस्ट का नाम है प्रोजेक्ट जूनियर कंसल्टेंट, और 30,000 से लेकर 39,000 पर मंथ की सैलरी है, तो अच्छी सैलरी है। और यहाँ पे 30 ईयर से आपका एज लिमिट, ओके। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन क्या आपको चाहिए, अगर आपका मास्टर्स डिग्री है एजुकेशन में, सोशल साइंस में या फिर अलाइड सब्जेक्ट्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रिफरेबली लिखा गया है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिफरेबल है, ठीक है। या फिर अगर आपके पास एम एस सी है, एम सी ए है या फिर बी टेक है, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। अलावा इसके अलावा अगर आपके पास एम कॉम है, एम बी ए है और आप अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ओके। इसका भी लास्ट डेट आपका जो है 16th of May है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं जो क्या पोस्ट है। अगला पोस्ट है आपका जो 9th April में निकला हुआ था, इसका लास्ट डेट आपका 30 April है, 30th April ये निकला हुआ है आपका प्रोजेक्ट जूनियर कंसल्टेंट। ये देख लेते हैं इसमें क्या है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बाकी सब चीजें। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जूनियर कंसल्टेंट, यहाँ पे भी आपको 30,000 पर मंथ से 39,000 पर मंथ दिया जाएगा, और 30 इयर्स का यहाँ पे भी मैक्सिमम एज लिमिट है। डिफरेंस क्या है, बस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, मास्टर्स डिग्री अगर आपका एजुकेशन में है, सोशल साइंस में है या फिर अलाइड सब्जेक्ट्स में है, तो आपको चांस दिया जाएगा। प्रिफरेबल दिया गया है 2 ईयर का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपका यहाँ पे क्या चाहिए उनको, अगर आपके पास कुछ गुड कमांड है और आपका स्पेशलाइजेशन है हिंदी और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स आपका है, तो आपको अच्छा प्रेफरेंस मिलेगा। और जॉब के रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए, आपको आर्टिकल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, एंड आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में, और एमएस ऑफिस का कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास तो भरपूर नॉलेज होगा दोस्तों, क्योंकि सीपीटी के लिए बहुत खूब सारे वीडियोज आपके पड़े हुए हैं और प्लेलिस्ट भी आपका पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, वहां पे जाकर आप नॉलेज ले सकते हैं दोस्तों। इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 30th of April है। इसके बाद जो पोस्ट है आपका देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट ग्राफिक डिजाइनर का है। तो ग्राफिक डिजाइनर जो है इसका लास्ट डेट आपका 26th of April है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या यहाँ पे बोला गया है आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ग्राफिक डिजाइनर कंसल्टेंट ऑन टेम्पररी बेसिस फॉर NCSL प्रोग्राम एट द इंस्टीट्यूट एज पर द डिजाइन डिटेल्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको 40,000 से लेकर 49,000 की सैलरी मिलेगी पर मंथ, और यहाँ पे आपका मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 65 इयर्स है दोस्तों। 55% और इक्विवेलेंट ग्रेड आपका होना चाहिए एमसीए और एमटेक में। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी या फिर मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स होना चाहिए आपके पास। एटलीस्ट 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वेबसाइट डेवलपिंग में, वेब डिजाइनिंग में, ग्राफिक डिजाइन, डाटाबेस मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट। तो यही एक पोस्ट है जिसमें आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, और बाकी कोई भी पोस्ट में आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। और आपके पास स्किल्स होना चाहिए मल्टीमीडिया डेवलपर, एनिमेशन क्रिएशन और फोटोशॉप कोरल में, ठीक है। और आपका अगर ये इसमें एक्सपीरियंस है ई कंटेंट बनाने में, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मूडल, वर्डप्रेस, एंड एक्सपीरियंस है आपके पास इंडिपेंडेंटली आपने काम किया हुआ है HTML5, JavaScript, PHP, CSS, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, तो आपको बहुत ही बढ़िया प्रेफरेंस मिलने वाला है यहाँ पे। इसका जो लास्ट डेट है 1 महीना रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। आपको सभी पोस्ट में क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप सबमिट करेंगे उसका आपको एक प्रिंटआउट लेके अपने पास रखना है, और इसको आपको लेके जाना है इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट के टाइम पे, ओके। और इसके अलावा आपको NOC सर्टिफिकेट भी ले जाना है अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं। तो ये आपका टोटल सारे पोस्ट हैं, 5 पोस्ट मैंने डिस्क्राइब कर दिया है।
इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो लिंक है वेबसाइट का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और इसके जो सारे पीडीएफ्स है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो पीडीएफ यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, कौन कौन इसमें एलिजिबल हो, एलिजिबल तो सभी हो दोस्तों, और कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए जरूर से बताइए। और इस तरीके के जॉब अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार जॉब अपडेट के साथ।